फॉर अकबर व्हेन द टू आर्मीज फॉट तो प्रिजनर्स वर ऑफ वॉर वर आइदर कन्वर्टेड और देवर किल्ड बट ही सेज अकबर की ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच ना उन्हें मारा जाएगा ना उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा और 1564 में उसने बहुत बड़ा कदम उठाया जजिया खत्म कर दिया इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम्स पर एक कर लगता है जजिया प्रोटेक्शन टॉल टैक्स इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम्स पर एक पोल टैक्स लगता है मतलब व्यक्ति कर इन रिटर्न फॉर द प्रोटेक्शन गिवन टू द नॉन मुस्लिम्स पर वो बच्चों से स्त्रियों से और सन्यासियों से नहीं दिया जाता हटा दिया इसने अब क्या वजह हो सकती है इसकी क्यों किया उसने वाई अब ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया वाई ऐसा क्यों किया अकबर ने ही ऐसा क्यों किया एक छोटा सा फॉर्मूला है कि जब अपने बने दुश्मन अपने और पराए बने संरक्षक उसने राज्य की कमांड अपने हाथ में ले ली बच्चा तो हर आदमी को लगा हम अपनी तरफ से डील करेंगे ऐसा हुआ नहीं तो बैरम खान का रिवोल्ट उज़्बेक रिवोल्ट मिर्जा रिवोल्ट अपने बने दुश्मन बैरम खान का रिवोल्ट उज़्बेक रिवोल्ट मिर्जा रिवोल्ट और जब इन लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया तो बचाया किसने राजपूतों ने जब मुस्लिम सरदारों ने रिवोल्ट किया मुसलमानों ने नहीं मुस्लिम सरदारों ने रिवोल्ट किया तो बचाया किसने राजपूतों ने जब अपने बने दुश्मन पराए बने रक्षक तो जो आदमी आपको बचा रहा है आप उससे हफ्ता लेंगे अकबर और हरखा भाई की शादी हिंदू मुसलमान की शादी नहीं है जाति धर्म ये सब लोअर आम आदमी की जरूरत है राजशाही वो इन सब में बिलीव नहीं करती जितनी भी चीजें इंसानों ने बनाई है वो सिर्फ आदमी को भटकाने के लिए बनाई गई है जाति क्षेत्र धर्म जितनी चीजें इंसानों ने बनाई है वो सिर्फ इंसानों को भटकाने के लिए बनाई गई है पर ऐसे तो अखंडानंद तिवारी और रतिशंकर शुक्ला दोनों पंडित हैं और गुड्डू पंडित भी पंडित है राजा सिर्फ इसलिए है उसे कॉन्सेप्ट्स पर क्लियर है इस संसार में जिसके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना कॉन्सेप्ट यू शुड बॉदर ओनली अबाउट वन थिंग कॉन्सेप्ट्स सेंसेस की जो एंजॉयमेंट है वो लिमिटेड है देखो बुड्ढों को प्लस 70 प्लस लोगों को देखो आंखें देखो उनकी आंखें डोंट लिसन देयर वर्ड्स शब्द से तो मैं भी महात्मा हूं मैं भी साधु वाली बातें करता हूं डोंट लिसन द वर्ड्स ऑफ द पीपल ऑलवेज वॉच द आईज बिकॉज वॉट एवर यू थिंक इट कम्स इन टू योर आईज अगर एक बहुत खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने से जा रही है और तुम्हारा मन उधर आकर्षित हुआ तो वो तुम्हारी आंखों में दिखाई पड़ेगा दैट उत्तेजना एक्साइटमेंट विल कम इन टू योर आईज बोलो तुम कुछ भी That is why the people who have a very conscious mind and stable, they are able to read the face. देखो मिर्जापुर में देखो रतिशंकर शुक्ला अखंडानंद बोथ आर ब्राह्मण्स बट एनिमीज बिकॉज फॉर एरिस्टोक्रेसी एनिमिटी मीन्स इंटरेस्ट फॉर कॉमन पीपल एनिमिटी मीन्स
फिलॉसफी, आइडियोलॉजी। अब तुम तैयारी कर रहे हो राजा बनने की और रहते हो आम आदमी के साथ, इसीलिए तो और परेशान हो। मेनी ऑफ यू लाइक मी आर फ्रॉम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अब गुप्ता जी पुलिस डिपार्टमेंट में है, उनकी बेटी मर गई, क्या कर लिया उन्होंने? यही तो है मिडिल क्लास। ही कीप्स द गन ऑन हिज पिस्टल बट ही कम्स डाउन। आम आदमी चींटी नहीं मारता, पक्षी नहीं मारता, जानवर नहीं मारता। यू सी मुन्ना, कि यूसुफ के बाद अब लाला का भी ध्यान रखना पड़ेगा। शहर के बाहर निकले तो सूचना मिलनी चाहिए। कॉन्सेप्ट जिंदगी में एक चीज अपनी क्लियर कर लो, बस मजा आ जाएगा बॉस, मस्त हो जाओगे। डोंट लिव इन डिलेमा एंड कंफ्यूजन। बस ये एक चीज छोड़ दो, बस डिलेमा छोड़ दो, कंफ्यूजन छोड़ दो। इसीलिए तो गुरु इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने गुरु से पूछा शराब पीनी चाहिए, कहा ध्यान नहीं कर पाते हो तो पियो, लेकिन किडनी खराब कर देगी और जिंदगी भर भिकमंगा बना के रखेगी। बिकॉज एवरी टाइम वेन यू विल नीड द पीस ऑफ माइंड, यू हैव टू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ द माइंड। तो लिकर विल ऑलवेज मेक यू अ बेगर। बाकी पी लो, तुम्हारा मन है तो पी लो, मना नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान एंड लिकर बोथ डू द सेम थिंग, बोथ स्टॉप द सबकॉन्शियस माइंड। बट ध्यान रिक्वायर्स लेबर, श्रम। दैट इज वाई वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर सन्यासी इज श्रमर। आज क्यों दुनिया परेशान है? सब नकली हिंदू, नकली मुसलमान टहल रहे, दाढ़ी रखा लिया, पैजामा उठा लिया, मुसलमान बन गए। ऐसे तो कोई भी मुसलमान बन जाए, इट्स अ इजीएस्ट वे टू बिकम अ मुसलमान। चंदन लगा लिया, जनेऊ पहन लिया, हिंदू हो गए। लड़की देखी, देखे ही चले आ रहे, ऊपर से डीटीसी बस चली गई। आज हम कहा है परेशान, वेस्ट कहा है खुशी है? यू सी वेस्ट, दे आर लिविंग ऑन सेंसेस, दे हैव एक्सेप्टेड कि सेक्स बहुत अच्छी चीज, दारू बहुत अच्छी चीज, एक्सेप्ट कर लिया। अब दे हैव एक्सेप्टेड, दे आर लिविंग ऑन इट। तो ठीक है, भगवान नहीं बन पाए, लेकिन कम से कम इंसान बन के तो जी रहे हैं। यहां यू सी दिस कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न इंसान, न भगवान, न शैतान, जाहिल। ये बड़ा प्यारा वर्ड है। शैतान भी ठीक है, रावण का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। यू सी द स्टोरी ऑफ रावण, हिज कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर कि बेटा मेरी बहन को सताए हो, तो भगवान भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी वाइफ को उठाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। इफ गॉड इज हैविंग क्लियर कॉन्सेप्ट, इविल ऑल्सो हैविंग क्लियर कॉन्सेप्ट। एन इंसान मीन्स वन हू डिसाइड्स दैट ही हैज टू गिव गो ऑन विच वे, गॉड और इविल। पर आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तीनों नहीं। दैट इज वाई दिस कंट्री इज सफरिंग। पाकिस्तानीज आर सफरिंग, बांग्लादेशीज आर सफरिंग। 80% पीपल इन दिस कंट्री आर नाइदर गॉड नॉर इविल, नॉट ह्यूमन बींग।